भूमि हिमाचल प्रदेश दी जिथे किन्नौर जिले दे नेड़े नैशनल हाईवे पूरी तरह दे नाल बंद हो चुकी है। नैशनल हाईवे दा करीब 150 मीटर दा हिस्सा पूरी तरह धसे है। हाईवे दा हिस्सा धसन दे कारण आवाजाई प्रभावित हुई है। वाहनों की आवाजाई बुरी तरीके दे नाल प्रभावित हो चुकी है। किन्नौर दे स्पीति दा आवाजाई संपर्क देश दुनिया दे नाल टुट चुके है। सो नैशनल हाईवे दा करीब 150 मीटर दा हिस्सा है जो वह धस चुके है। आवाजाई प्रभावित हुई है। वाहनों से पूर्ण तौर पर पाबंदी लग चुकी है। किन्नौर ते स्पीति का यातायात संपर्क है जो देश दुनिया के नालों पूरी तरह टुट चुके। जानकारी की सांझ पाउणगे साडे सहयोगी समीक्षा राणा साडे नाल जुड़े ने। समीक्षा की कुछ उत्थे हजे काम चल रहा है क्योंकि आवाजाई प्रभावित हो चुकी है, प्रशासन के वलों की कुछ कदम चुकया गया? देखिए, किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में माना जाता है और लगभग तीसरी बार ऐसा हुआ है जब देर रात को लैंडस्लाइड की घटना जो है वो वहां पर पेश आई है। 200 मीटर तक नेशनल हाईवे पूरी तरह से गिर, पहाड़ जो है वो पूरी तरह से दरड़ कर 200 मीटर नीचे तक पहुंच गया है। तो अभी अगर देखें तो खुलने की उम्मीद काफी दिनों तक नहीं लगाई जा रही है, काफी लंबा समय लग सकता है। लेकिन अगर बेहद ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नेशनल हाईवे है चंडीगढ़ शिमला जो कि किन्नौर के लिए जोड़ता है, ये सामरिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत तिब्बत बॉर्डर को जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे 5 जो है वो पूरी तरह से अब बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं आवाजाही बिल्कुल प्रभावित होगी, लोगों का आम जनजीवन प्रभावित होगा। सेब सीजन इस दौरान चल रहा है तो ऐसे में सेब को कैसे मंडियों तक पहुंचाना है ये भी बड़ी चुनौती है क्योंकि इतनी बुरी तरह से लैंडस्लाइड देखा गया है। 200 मीटर तक का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से गिर गया है। तो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से भी ये कहना है कि क्योंकि इस तरह का क्षेत्र है और बार बार यहाँ पर लैंडस्लाइड होते हैं, हालांकि कुछ समय इसे ठीक करने में लग सकता है, लेकिन तीसरी ऐसी घटना है जो की रात की देर रात के समय लैंडस्लाइड किन्नौर जिला में हुआ है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी जल्द से जल्द इस हाईवे को कंप्लीट कार्य किया जाता है क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसी के साथ में सेब सीजन चल रहा है। तो ऐसे में किन्नौर से जो सेब मंडियों तक पहुंचाना है वो भी बड़ी चुनौती है। समीक्षा, कोई वैकल्पिक राह हैगा या प्रशासन दे वल्लों कोई होर राह दिता गया? फिलहाल की अगर बात करें तो कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं है जहां से आवाजाही को भेजा जा रहा है। और कई जिलों की और कोई देश दुनिया से अगर देखे तो इस वक्त जिला किन्नौर का संपर्क है वो टूट चुका है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जिला किन्नौर का संपर्क टूट चुका है। हालांकि बरसात के मौसम में अक्सर ये देखा जाता है कि लैंडस्लाइड जो है वो लगातार होते हैं और इसके बाद से जो आवाजाही है वो प्रभावित होती है। तो ऐसे में अभी तक फिलहाल की अगर बात करें तो काफी दुर्गम क्षेत्र है, देखिए ट्राइबल का एरिया है ये पूरा जिला किन्नौर का। तो ऐसे में वैकल्पिक मार्ग भी अभी तक कोई नहीं है जहां से वहां की आवाजाही जो है वो प्रभावित ना हो। तो अभी फिलहाल कोई ऐसा मार्ग नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी कब तक इसे बहाल कर पाती है। ठीक है, समीक्षा जानकारी देने के लिए शुक्रिया। सो किन्नौर के नेड़े नेशनल हाईवे पूरी तरह धस चुके हैं। राहत कार्य लगातार जारी है।